हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको डार्क सर्कल्स के बारे में बताऊंगी। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी डार्क सर्कल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या वो लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से डार्क सर्कल्स किसी को हो सकते हैं, और अलग अलग तरह की आँखों की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, उनको हम कैसे डील कर सकते हैं, क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए, क्या क्रीम्स अवेलेबल हैं अंडर आई डार्क सर्कल्स को ठीक करने के लिए, और डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक में आप क्या प्रोसीजर्स करवा सकते हैं जिससे आपके डार्क सर्कल्स कम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डार्क सर्कल्स हमारे किन लाइफस्टाइल की वजह से हो सकते हैं। तो डार्क सर्कल्स होंगे जब कभी भी ऐसा कुछ हम करेंगे जिससे आंखों के आसपास की ब्लड सप्लाई कम होगी, टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं होंगे, तो आंखें हमेशा थकी हुई लगेंगी, टायर्ड लगेंगी, और धीरे धीरे फिर उनमें पिगमेंटेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है। इसमें जैसे कि अगर नींद पूरी ना हो तो उससे भी ये होता है कि आंखों के आसपास की ब्लड सप्लाई उतनी नहीं रहती, क्योंकि जब हम सोते हैं तभी हमारी आंखों की मसल्स रिलैक्स करती हैं। तो अगर नींद पूरी नहीं होगी तो मसल्स ठीक से रिलैक्स नहीं करेंगी, ब्लड सप्लाई वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेंगे, और उसकी वजह से आंखें हमेशा थकी थकी लगेंगी। इसके अलावा अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से भी मेलेटोनिन हार्मोन कम रिलीज होता है। मेलेटोनिन हार्मोन स्लीप के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो स्ट्रेस अगर ज़्यादा होगा तो नींद पूरी नहीं होगी और फिर से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग से डार्क सर्कल्स होते हैं, क्योंकि स्मोकिंग से आंखों के आसपास की ब्लड सप्लाई, इनफैक्ट पूरी स्किन की ही ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो जो स्मोकर्स होते हैं उनकी स्किन में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण उनकी स्किन ही थोड़ी डल लगती है, आँखों का एरिया और ज़्यादा डल होता है, और इसी वजह से उनकी स्किन ज़्यादा जल्दी सैग भी करती है। इसके अलावा एनीमिया यानी कि आयरन डेफिशिएंसी, अगर खून की कमी है शरीर में तो उससे डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी होते हैं। और इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स और भी हैं आयरन के अलावा जो बहुत ज़रूरी हैं, तो अगर कोई क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं तो उनके आंखों में उतने स्किन के आसपास उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पा रहे, टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं हो रहे, तो इस वजह से जैसे कि वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। इन सब कारणों के अलावा अल्कोहल से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, क्योंकि आंखों की मसल्स हमेशा टायर्ड रहेंगी, फटीग्ड रहेंगी, और आंखों के आसपास का एरिया डार्क रहेगा और आंखें हमेशा थकी हुई लगेंगी। हेरिडिटी एक बहुत कॉमन कारण है, और हेरिडिटी खास तौर पे देखा गया है कि जब किसी को अपर आईलिड और लोअर आईलिड दोनों में पिगमेंटेशन हो तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो हेरिडिटी डार्क सर्कल्स हैं। तो ये एक कारण है। हेरिडिटी का मतलब है कि आपके घर में और किसी को भी, आपके पेरेंट्स को या किसी को भी घर में हो और आपने वहाँ से इनहेरिट किया हो। तो एज एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। जैसे जैसे हम एज करते हैं, एजिंग होती है, एजिंग के प्रोसेस से स्किन का क्वालिटी चेंज होती है, स्किन का टेक्सचर चेंज होता है, आंखों के आसपास की स्किन और पूरे चेहरे की स्किन लूज होती है। तो जब आंखों के आसपास की स्किन लूज होती है तो उससे ये होता है कि आंखों की स्किन लूज और पतली होती है, सैग करती है, तो आंखों के नीचे की जो ब्लड वेसल्स हैं वो ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर उन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होता है ब्लू कलर का वो नज़र आता है, तो उसकी वजह से भी आंखों के आसपास आपको डार्क सर्कल्स या अंडर आई बैग्स ये सब कुछ दिख सकते हैं। एक एलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो अगर किसी को एलर्जी हो, नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा रहता हो, आंखों में खुजली रहती हो और आंखों से पानी बहता हो, आंखों के आसपास की स्किन ड्राई हो, रेड हो और इचिंग रहती हो आंखों में, तो इससे भी धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि आंखों की स्किन का कलर चेंज हो जाएगा और धीरे धीरे आंखों की स्किन का कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो ये सब कुछ कॉमन कारण हैं आंखों के आसपास के डार्क सर्कल्स के। और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या वो अलग अलग तरह की अंडर आई इश्यूज़ हैं जो हो सकती हैं। डार्क सर्कल्स ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज़ है। इसके अलावा फाइन लाइंस और रिंकल्स हो सकते हैं आंखों के आसपास। इसके अलावा अंडर आई बैग्स हो सकते हैं। अंडर आई बैग्स में आपको स्वेलिंग दिखेगी आंखों की नीचे वाली आईलिड में, और कई बार अपर आईलिड में भी स्वेलिंग दिख सकती है।
अगर स्वेलिंग ज़्यादा है तो आपके डॉक्टर्स कुछ आपके ब्लड टेस्ट भी कराएंगे देखने के लिए कि ये वाटर रिटेंशन है या फिर ये कोई और कारण है जिसकी वजह से, कोई हार्मोनल इशू है जिसकी वजह से इतनी स्वेलिंग आँखों के आसपास हो रही है। तो अब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये सब क्या चीज़ें हैं, कि क्यों डार्क सर्कल्स क्यों होंगे और क्यों स्वेलिंग होगी, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब जब डार्क सर्कल्स की बात कर रहे हैं तो एक तो कॉमन कारण ये है कि काफ़ी बार, देखिए दो तरह के डार्क सर्कल्स हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो डार्क सर्कल आप देख रहे हैं, जो नज़र आ रहा है, वो पिगमेंटेशन हो, यानी कि ब्राउन कलर का, जैसे चेहरे पे पिगमेंटेशन होती है उसी तरह का वो ब्राउन कलर का पिगमेंटेशन होगा जो आँखों के आसपास ज़्यादा है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो ब्लड है। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, जैसे काफ़ी लोगों में ब्लड वेसल्स, स्किन पतली होने के कारण ब्लड वेसल्स ज़्यादा नज़र आती हैं, तो वो ब्लड वेसल्स, उनका ब्लड वेसल्स का ब्लूइश कलर नज़र आएगा। तो ये खास तौर पे जब किसी का आँखों के आसपास का एरिया ब्राउन ना हो के डार्क ब्राउन या ग्रे या ब्लू, इतना डार्क कलर हो आँखों के आसपास का, तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये पिगमेंटेशन से ज़्यादा ये ब्लड वेसल्स का कलर है और इसको उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। और अगर ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर है तो फिर वो पिगमेंटेशन है और उसको फिर पिगमेंटेशन की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, जैसे कि स्किन की कोई भी और डिसकलरेशन को ट्रीट किया जाता है। लेकिन अधिकतर बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों में दोनों कारण होते हैं, मतलब पिगमेंटेशन भी होती है और ब्लड वेसल्स भी होती हैं, और इस वजह से वो उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब इसमें एक और चीज़ है ध्यान देने वाली, वो है अंडर आई हॉलोनेस, यानी कि आँखों के नीचे कुछ गड्ढा होगा, कुछ डिप्रेशन होगा, तो वो जब हॉलोनेस होगी तो उसकी वजह से आँखें और ज़्यादा डार्क लगती हैं। तो इसमें क्या होता है कि गड्ढा होने के कारण आँखों के नीचे पूरी डीमार्केशन हो जाती है कि आप देख के बता सकते हैं कि आई एरिया कहाँ पर ख़त्म हो रहा है और चीक्स कहाँ पर शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों में यूजुअली ये तब होता है जब उनकी डीप सेट आइज़ हों, आंखें अंदर की तरफ हों, आई सॉकेट्स, तो उसकी वजह से क्या होता है कि डीमार्केशन होती है और अंडर आई एरिया में हॉलोनेस होती है, गड्ढा होता है। और ऐसे लोगों में ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, तो जब तक आप उस गड्ढे को ट्रीट नहीं करेंगे तब तक उतना ज़्यादा अच्छा आपको अंडर आई पिगमेंटेशन में, अंडर आई के एरिया की प्रॉब्लम में फ़र्क नज़र नहीं आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में जो करने से आपको आँखों के पिगमेंटेशन में फ़र्क दिखेगा। जैसा कि मैंने बताया कि पिगमेंटेशन हो सकती है और ये एक वैस्कुलर कंपोनेंट हो सकता है, जिसका मतलब है कि ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा हो सकती है। तो जो भी हम होम रेमेडीज़ करें उसमें हमें दोनों तीनों तरीके से फ़ायदा मिलना चाहिए, कि अंडर आई स्वेलिंग भी कम होनी चाहिए, ब्लड सप्लाई बढ़नी चाहिए, टॉक्सिन्स फ्लश आउट होने चाहिए और आँखों के आसपास का न्यूट्रिशन बढ़ना चाहिए और पिगमेंटेशन उससे लाइट होगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ होम रेमेडीज़। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर और इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ हैं उसमें टमेटो, खीरा, तरबूज यानी वाटरमेलन और आलू, इन चीज़ों का जूस आप ले सकते हैं। जूस को ठंडा कर देंगे और उसके बाद उसमें कॉटन डिप करके और उसको आँखों पे 15-20 मिनट तक वो ठंडे जूस को, उन कॉटन पैड्स को लगा के रखेंगे। और इन सब चीज़ों से ऐसा होगा कि ये ठंडे कॉटन पैड्स आपके आँखों के आसपास की ब्लड वेसल्स को श्रिंक करेंगे और उससे आई बैग्स की स्वेलिंग कम होगी, आई बैग्स कम होंगे, आँखें रिजुविनेट होंगी और आँखें आपको वो जो ब्लड वेसल्स श्रिंक होने के कारण, जो ब्लड वेसल्स की वजह से जो आपको पिगमेंटेशन नज़र आ रही थी वो आपकी ठीक होगी। अब इसके अलावा एक जो मेरा फेवरेट है होम रेमेडी, तो ये इसके बारे में बताना चाहती हूँ। इसमें टी बैग या ग्रीन टी बैग ये आप इस्तेमाल करिए। तो ये यूज्ड ग्रीन टी बैग भी हो सकता है, आपको फ्रेश टी बैग लेने की ज़रूरत नहीं है।
और क्योंकि उसके अंदर काफ़ी कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये टी बैग या ग्रीन टी बैग को आप 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप उसे अपनी आँखों पर लगाएं 15 मिनट के लिए, और इससे ये होगा जो कैफीन है वो भी आपकी जो पिगमेंटेशन ब्लड की वजह से है उसको कम करेगा। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स इतने सारे हैं कि उससे भी आपकी आँखों का एरिया बहुत रिजुविनेट होगा और आपको अपने डार्क सर्कल्स में कमी दिखेगी। अब ये तो होम रेमेडीज़ की बात हुई, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या वो क्रीम्स हैं जो आप लगा सकते हैं अपने डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए। तो अंडर आई क्रीम्स अलग अलग तरह की आती हैं, उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आपका क्या अंडर आई का कंसर्न है उसके हिसाब से आप क्रीम चूज़ करेंगे। तो इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने सारे पॉपुलर ब्रांड्स जो इंडिया में आसानी से अवेलेबल हैं उन्हें मैंने रिव्यू किया है। तो वो वीडियो का लिंक भी हम शेयर करेंगे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो उससे आपको अपनी अंडर आई क्रीम चूज़ करने में आसानी रहेगी। फिर भी मैं आपको एक बार डिटेल में समझाती हूँ कि आप मॉलिक्यूल क्या चूज करें। तो देखिए, अगर पिगमेंटेशन है तो विटामिन सी, नाइसिनामाइड, लिकोरिश, ये सब अच्छा रहेगा आंखों के एरिया के लिए। कोजिक एसिड, माइल्ड कोजिक एसिड की क्रीम्स भी आती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा फेवरेट है, जो मैं बहुत मैंने अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, वो है विटामिन के बेस्ड अंडर आई क्रीम्स। क्योंकि विटामिन के की खास बात ये होती है कि ये ब्रूज को कम करता है, तो ब्रूज भी नील जैसे होता है, तो ये भी ब्लड की वजह से होता है। तो विटामिन के बेस्ड क्रीम्स अगर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हों तो ये फ़ायदा करेंगी। विटामिन सी, नाइसिनामाइड, लिकोरिश बेस्ड क्रीम्स काम करेंगी। अगर पिगमेंटेशन है और ब्लड वेसल्स की वजह से वो प्रॉब्लम नहीं है, कैफीन बेस्ड अंडर आई क्रीम्स आप खरीद सकते हैं। अगर आपके अंडर आई बैग्स हैं तो कैफीन ये करता है कि जैसे कैफीन काफ़ी बार सेल्यूलाइट की क्रीम्स में भी होता है, तो वो स्वेलिंग को कम करने में फ़ायदा करता है। इसके अलावा रेटिनॉल, हाइलुरोनिक एसिड, पेप्टाइड्स, इन सब की क्रीम्स आप खरीद सकते हैं। अगर आपका असली कंसर्न है कि आँखों में हाइड्रेशन चाहिए, फाइन लाइन्स और रिंकल्स कम करने हैं। तो ये तो बात हुई अंडर आई क्रीम्स की। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर ये सब कुछ आप कर चुके हैं, लाइफस्टाइल ठीक है, होम रेमेडीज ट्राई कर चुके हैं और सारी क्रीम्स लगा के देख चुके हैं और फिर भी फायदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है। तो डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में वो क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जो होते हैं जिनसे आपको अपने डार्क सर्कल्स में फायदा दिखेगा? तो सबसे पहली चीज़ है केमिकल पील्स। केमिकल पील्स फ्रूट बेस्ड पील्स होती हैं, तो ये इस हिसाब से ही होती हैं कि आँखों के सेंसिटिव एरिया के हिसाब से ये बनाई जाती हैं। और क्योंकि डार्क सर्कल्स थोड़ा रेजिस्टेंट होते हैं ट्रीटमेंट में, उतनी आसानी से डार्क सर्कल्स नहीं जाते, तो इस वजह से काफ़ी बार आपके डर्मेटोलॉजिस्ट कॉकटेल पील्स या सैंडविच पील्स करेंगे ताकि रिजल्ट और जल्दी और अच्छा आ सके। तो ये तो पील्स की बात हुई, जो फ्रूट बेस्ड पील्स। इसके अलावा लेज़र्स होते हैं। लेज़र्स में भी देखिए, यूजुअली एक लेज़र काम नहीं करता, तो अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन में लेज़र्स किए जाते हैं। कुछ लेज़र्स कोलेजन बिल्ड करेंगे और स्किन को फर्म करेंगे ताकि ब्लड वेसल्स उतनी ना दिखें। कुछ लेज़र्स फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए होंगे और कुछ लेज़र्स ऐसे होंगे जो पिगमेंटेशन को कम करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन में किए जाते हैं ताकि ये कॉम्बिनेशन में करने से आपको ज़्यादा जल्दी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सके। और काफ़ी बार तो पील्स और लेज़र्स ही आपस में कॉम्बिनेशन में किए जाते हैं ताकि रिजल्ट और एनहांस हो सके। इसके अलावा पीआरपी एक अच्छा तरीका है। पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें आपका ब्लड लेके सेंट्रीफ्यूज करके आपके प्लेटलेट्स को सेपरेट करके अंडर आई एरिया में इंजेक्ट किया जाता है। तो उससे ये होता है कि पीआरपी करने से वो प्लेटलेट्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपके आँखों के एरिया को रिजुविनेट करेंगे और उससे आपकी आँखें काफ़ी अच्छी दिखेंगी। आँखों के आसपास की जो टायर्डनेस है जो वो कम होगी और आँखें बहुत रिफ्रेश लगेंगी, रिजुविनेटेड लगेंगी। एक और तरीका
जो ज़रूरी है यहाँ समझना, वो है अंडर आई हॉलोनेस के लिए। जैसे कि मैंने बताया, जब आँखों के नीचे गड्ढा है, हॉलोनेस है, तो ये किसी भी तरह की क्रीम से नहीं जाएगा, तो ये क्रीम से नहीं जाएगा, ये इन PRP वगैरह के प्रोसीजर से नहीं जाएगा। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अंडर आई फिलर करवा सकते हैं। फिलर क्या होता है? फिलर हाइलुरोनिक एसिड होता है, ये एक इंजेक्शन होता है जो आँखों के नीचे इंजेक्ट किया जाता है। ये उस गड्ढे को भरने में हेल्प करेगा जो आपकी आँखों के नीचे हुआ है। जब वो डिप्रेशन, वो गड्ढा, वो हॉलोनेस फिल होगी, तो जाके आपको आँखों के नीचे की स्किन अंडर आई हॉलोनेस आपको बेटर लगेगी। तो वो जो एक डीमार्केशन है आँख और आपके चीक्स के बीच में, तो वो डीमार्केशन कम होगी, आँखें ज़्यादा रिजुविनेटेड लगेंगी। जो आँखें डीप सेट हैं, अंदर की तरफ हैं, वो आँखें अब उतनी डीप सेट नहीं लगेंगी। और फिलर करने से स्किन आपकी स्ट्रेच होगी अंडर आई की, और स्किन लिफ्ट होगी अंडर आई की, तो उससे आप देखेंगे कि अंडर आई एरिया बहुत अच्छा आपको दिखेगा। और जो किसी भी और चीज़ को नहीं रिस्पॉन्ड करते, वो इसलिए क्योंकि उनके अंडर आई में हॉलोनेस है, तो ऐसे लोगों का रिजल्ट फिलर से ही बहुत अच्छा आएगा। तो फिलर आप करवा सकते हैं अगर अंडर आई हॉलोनेस है। तो ये सब तरीकों से आप डेफिनेटली अपनी अंडर आई एरिया को ट्रीट कर सकेंगे। पर एक बहुत ज़रूरी बात कि लाइफस्टाइल चेंजेस हमेशा बना के रखने हैं। ऐसा नहीं कि आप ट्रीटमेंट करवाएं 4-6 महीने, घर पे मेहनत करें 4-6 महीने, और उसके बाद लेकिन आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, या आप कुछ क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, या आप स्ट्रेस्ड हैं, और या आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, और उस वजह से जो भी आप मेहनत कर रहे हैं अपने आई एरिया को रिजुविनेट करने के लिए, फिर वो पिगमेंटेशन बार बार वापस आएगी। तो ये लगातार करने वाली चीज़ है ताकि आँखों का एरिया हमेशा ही रिजुविनेटेड लगे और आपकी आँखें कभी भी बहुत टायर्ड और फटीग ना लगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अंडर आई क्रीम से रिलेटेड मैंने बहुत सारे Instagram पे रील्स और वीडियोस भी बनाई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मेरा Instagram हैंडल है दादू स्किन क्लिनिक, और कुछ और अंडर आई वीडियोस जो मैंने ऑलरेडी बनाई हैं YouTube पर, वो लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे ताकि वो वीडियोस आप हमारे प्रोसीजर्स की और अंडर आई क्रीम्स की भी देख सकें। अपना बहुत ध्यान रखिए, मैं आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ़।